आजकल यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स के पास सुपर कार्स होना बेहद आम हो चुका है। इनकी लग्जरी गाड़ियां देख हर कोई हैरान रह जाता है, लेकिन अब धीरे धीरे इन लग्जरी कार्स के पीछे की सच्चाई सामने आ रही है। हाल ही में एल्विश यादव के माता पिता ने इसका खुलासा किया और अब मैक्सटर्न ने अनुराग डोभाल की कार्स का भी खुलासा कर दिया है कि आखिर अनुराग डोभाल के पास इतनी महंगी कार कहां से आती है। दरअसल एल्विश यादव की गिरफ्तारी के बाद उनकी लग्जरी लाइफस्टाइल की चर्चा खूब हुई। कई चैनल्स पर उनके माता पिता से सवाल किया गया कि आखिर एल्विश यादव के पास इतनी लग्जरी गाड़ियां कहां से आती हैं। उनके माता पिता ने जवाब में कहा कि एल्विश यादव के पास सिर्फ दो ही गाड़ियां हैं, बाकी जितनी भी गाड़ियां हैं वो दोस्तों यारों की हैं जिनसे वो किराए पर उन्हें लेता है। अब ऐसे में मैक्सटर्न ने भी खुलासा किया है अनुराग डोभाल की कार्स का, जो कि UK07 राइडर के नाम से यूट्यूब पर काफी मशहूर हैं। उन्होंने बताया है यूके राइडर्स कहां से ये सब कार मंगवाते हैं और यूट्यूब पर शो करते हैं जैसे कि ये कार उन्होंने खरीदी हो। दरअसल अनुराग डोभाल रिचेस्ट यूट्यूबर्स की लिस्ट में आते हैं। बिग बॉस में उन्हें मुनव्वर फारूकी के साथ भी देखा गया था। बिग बॉस 17 में भी वो नजर आए थे। 76 लाख से ज्यादा अनुराग डोभाल के यूट्यूब पर सब्सक्राइबर्स हैं। इसके अलावा 8 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोवर भी हैं। वैसे तो यूके राइडर की काफी वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं, लेकिन लोगों का ध्यान वो तब खींच लेते हैं जब वो महंगी महंगी कारें अपने व्लॉग्स में दिखाते हैं। अनुराग डोभाल ने काफी सारी लग्जरी गाड़ियों के साथ इंस्टाग्राम पर अपनी वीडियोस शेयर की हुई हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि उनका ड्रीम अब कम्प्लीट होने जा रहा है इन गाड़ियों के साथ। रिसेंटली उन्होंने लैम्बोर्गिनी ली थी। इसके अलावा MC लॉरेन के भी कई सारे वर्जन उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर डाले हुए हैं। तो अब ये सारी कारें कैसे कहां से आती हैं, आइए आपको बताते हैं। दरअसल मैक्सटर्न ने टैली चक्कर के साथ हाल ही में एक पॉडकास्ट में खुलासा किया कि अनुराग डोभाल अपने फैन से महंगी सुपरकार खरीदने के बारे में झूठ बोलते हैं। उन्होंने बताया कि अनुराग के पास बहुत पैसा है, लेकिन कोई भी दुबई से कार नहीं खरीद सकता, जैसा कि यूके राइडर 07 का दावा है। दुबई में एक नियम है कि केवल 6 महीने के लिए कारनेट के जरिए दुबई से सुपर कार ली जा सकती है, जो वाहन पासपोर्ट की तरह है, और 6 महीने बाद अधिकारी गाड़ी वापस ले लेते हैं। मैक्सटर्न ने कहा कि यही कारण है कि अनुराग ने अपने फैंस को बताया है कि उनकी सुपरकार सुप्रा 6 महीने बाद सर्विसिंग के लिए गई थी, जबकि असल में उन्हें इसे वापस करना पड़ा था। ये कारनेट प्रोसेस 6 मंथ बेसिस पर होता है, जिस पर 6 महीने के लिए गाड़ियां किराए पर दी जाती हैं। सौरभ ने यह भी कहा कि अब जब अनुराग के पास मैकलेरन सुपर कार है तो संभावना ज्यादा है कि ये कार भी 6 महीने बाद वापस कर दी जाएगी। तो आपको बता दें कि 15 से 30 लाख तक की रेंज में ये गाड़ियां 6 महीने के लिए आपके घर पर आ जाती हैं दुबई से। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।